हाँ जी, स्टोरी टाइम। और कहानी का आगाज होता है बाहर मुल्क से आई हुई मेरी खाला की आमद पे, जिनके हैं दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे। और वो जब आई पाकिस्तान तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई इस बार तो मैं स्नोफॉल देख के ही जाऊंगी वापस, वरना मैंने नहीं जाना। अब हम इतने अरसे बाद आई हुई खाला की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लेके गए उन्हें मरी। और फिर कराची से मरी तक क्या हुआ देखिए जरा। रेडी हो गए हम, कब के रेडी हो गए निकलना। वैसे हमें कल रात को था 3-4 बजे, लेकिन वो गाड़ी में कुछ मसला हो गया, हमने वो गाड़ी बोला हमें नहीं जाना इस गाड़ी में। फिर हमने दूसरी गाड़ी बुक करवाई, वो गाड़ी अभी आई है। और जैसे ही वो पहुंची हमें पता चला कि वो छोटी है, लोग ज़्यादा हैं, तो अब हम तीसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। And while we are waiting for gaadi, we gonna dance. And as I told you कि जो हम लोग निकल रहे थे और मसला हो गया, वो फाइनली मसला 4 घंटे बाद सॉल्व हो गया। और अभी 9 बज रहे हैं और हम सब अब निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं फाइनली। किसी भी ट्रिप का आगाज़ बगैर भंड भंड के होता ही नहीं है। उसी तरीके से हमारा भी जो ट्रिप अभी शुरू हो रहा है, उसमें स्टार्ट में इतनी सारी हरकतें हो गई हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि अब हम सोच रहे हैं कि आगे और क्या क्या बाकी है। और सामान हम आपको दिखाएं, अगर कुछ नहीं है हमारे पास। और ये सारा जो सामान है ना, ये सारा जो सामान है, इसमें सिर्फ ये बैग है मेरा, ये चुन्ना सा छोटा सा, बाकी ये इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। सबके मुंह से धुएं निकल रहे हैं, अभी तो कराची में है, अभी हम सिर्फ सिंध में हैं और धुएं निकल रहे हैं। और मुझे ये कैमरा बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूं मैं। लेकिन सब कुछ गोल गोल अगर नहीं आया ना तो मैं पता नहीं ऊपर ही देख लूँ। यार ये ऐसे वाला कैमरा है कि सब कुछ आ रहा है। खाना लग चुका है, तो सुबह के 7 बज गए तकरीबन, 7:10 हैं और हम लोग सखर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से रोशनी नहीं है, पहुँच चुके हैं, तकरीबन पहुंचने वाले हैं। और जाना हमने भी फैसलाबाद है, और फैसलाबाद पहुंचने में भी टाइम लगेगा, तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे हम फैसलाबाद पहुँचेंगे, तकरीबन 3 बजे अगर हम कहीं रुके नहीं, अगर हम कहीं रुके नहीं तो। जैसे तुम्हें बार बार सुस्त आ जाता है, जैसे मुझे बार बार सुस्त आ जाता है, सर्दी है ना, क्या करें। हम सारे रास्ते ऐसे बैठ कर आए, अभी तक ऐसे बैठे हुए हैं, और हमारे बच्चे जो है ना हमारी गोदों में सो रहे हैं। ये देखें आप ज़रा, ये एक बच्चा हमको ना सोने को मिला। शेरी।
अस्सलाम वालेकुम। पाम्स वैली रेस्टोरेंट बारबेक्यू एंड होटल। जुनैया क्या हो गया बोलो हैं? चाय। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। नहीं मुझे बताओ हो क्या क्या है? सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। बताओ ना कपड़ों पे हाथ में लगाओ। पर सुन ना, केक का जैसे शेक जैसा लगेगा, केक का शेक तुम्हारे जैसा। हमें कप नहीं मिले, मम्मा नहीं करते। सॉरी, हमें कप नहीं मिले, हम कुछ ग्लास में चाहिए। अभी हम लोग जो है वो कितनी देर में पहुंचेंगे फैसलाबाद? 6 घंटे में। क्या बात कर रही है, क्या के हो शमी वक्त वापस बोलने पहुंच गए हैं फाइनली 24 घंटे के सफ़र के बाद। और होटल लॉर्ड्स इन में हमने चेक इन किया है और भूख तो ये है। अब रूम देखते हैं रूम कैसे हैं और सर्विस कैसी है। फिलहाल तो होटल काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनली 24 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए हैं। मत पूछिए जो हमारी हालत हुई है। सो एलआईसी